NYX, नाइक्स, निक्स, नाइस, क्या है ये नाम? जी बोलिए। Hi, Marich. हाय, हाउ आर यू? I'm good. How are you? आई एम डूइंग वेरी वेल। जी, आप नाम क्या है आपका, ये कैसे प्रोनाउंस करूं मैं इसे? ये मेरा असली नाम नहीं है, पर इसे निक्स कहते हैं. निक्स। ओके, चलिए ठीक। निक्स. आप कहाँ से हो? मैं अभी यूके में रहती हूँ. मगर वैसे कहाँ से आप? और इंडिया, ये माय पाकिस्तान? बैकग्राउंड इज पाकिस्तान. ओके, ये ठीक पाकिस्तान. है। तो आप क्या कहना चाहोगी? तो मुझे ये कहना था कि आपको क्या लगता है कि व्हाइट पीपल हेट इमिग्रेंट्स, और लाइक यू नो हाउ माय मॉम इज लाइक शी इज लाइक उन्हें लगता है कि ये हमारे भले के लिए नहीं कहते. वो जब 1960s में जब आने दिया था ना इमिग्रेंट्स को, तब तो वो अपने लिए किया था क्योंकि वहाँ पे उनको कुछ वर्कर्स चाहिए थे. क्या आपको ये लगता है या फिर पता नहीं? कि उस जमाने में था ये, ऑब्वियसली अपने काम के लिए और अपने उसके लिए वो लेकर आए थे। मगर आए अभी, जैसे हमारे ट्रूडो ने कहा है कि हमको शॉर्टेज हो रही है वर्कर्स की, तो हम और इमिग्रेंट्स को लेकर आएंगे। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ जो लोग वैसे ही बैठे हैं ना, तो उनके पास भी जॉब ही नहीं है। गोरे अपसेट हैं आजकल के जमाने में, क्योंकि गोरे पहले जो है ना, ये काम नहीं करते थे, खेतों में जाके काम करना, लाइक लो पेइंग जॉब्स एंड सब, तो वो लोग नहीं करते थे। तो उसके लिए इमिग्रेंट्स को लेकर आया जाता था। मगर क्योंकि अब जो सेकेंड जनरेशन यहाँ पे इमिग्रेंट्स की आ गई है, थर्ड जनरेशन आ गए, वो पढ़ लिख गए हैं, वो बड़ी बड़ी क्या कहते हैं पोजिशन पे बैठ गए हैं, तो अब गोरे कहते हैं देखो हमारी जॉबें छीन रहे हैं, हमारी जॉबें छीन रहे हैं। विच इज ट्रू कि अगर आपके जो यहाँ के ओरिजिन लोग हैं, उनके पास खुद खाने पीने के लिए नहीं, और आप अभी भरते चले जा रहे हो, वी डोंट नीड देम, मगर आप लेते चले जा रहे हो, तो फिर आपकी जो लोकल लोग हैं वो क्या करेंगे? राइट, सो दे हैव देयर वे ऑफ थिंकिंग कि क्यों वो लोग उससे वो करते हैं। मगर मेजोरिटी ऐसा नहीं सोचती है। मेजोरिटी, मैं गोरों के बीच में ही रही हूँ फॉर 25 ईयर्स, और मुझे कभी मे बी शायद एक दो दफा कोई ऐसा रेसिस्ट बंदा मिला होगा, बाकी हर किसी ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है, एवरीबडी वाज फाइन। हाँ, अगर आप 10 साल 15 साल पहले ये बात होती शायद, मगर आजकल के जमाने में फॉर मी, अगर मैं जॉब ढूंढने जाती हूँ, मैं एक तो औरत हूँ, दूसरी के मैं इमिग्रेंट हूँ, तीसरी मैं सिंगल मदर हूँ, तो ये कार्ड सारे अगर मैं खेलू ना, तो मुझे यूं यूं करके लोग हायर करेंगे, क्योंकि वो डिमांड इतनी है। अब बायलिंगुअल होना, अगर आप एक से ज्यादा जबान बोलते हो, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद है यहाँ पर, क्योंकि सारे बिजनेसेस टारगेट करना चाह रहे हैं, सिर्फ गोरों को ही नहीं, दे वांट टू टारगेट एवरीबडी, चाइनीज, इंडियंस, जर्मन, जो भी हैं, जितने भी यहाँ लोग रहे ना, श्रीलंकन, दे वांट टू टारगेट एवरीवन। और अब आप अगर देखते हो ग्रोसरी स्टोर्स में, पहले यहाँ हमें दालें और ये चीजें नहीं मिलती थी, अब आप जाओ तो शान मसाले भी मिल रहे हैं आपको ग्रोसरी स्टोर में। सो इट इज एक्सपेंडिंग, विच इज कन्वीनियंट। पहले हमको इतनी दूर ड्राइव करके जाना पड़ता था लेने के लिए, अब मैं नो फ्रिल्स चली जाती हूँ, वहां मिल जाता है मुझे वही सामान, राइट? तो इस एक्सेसिबिलिटी, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, तो ऐसे भी लोग हैं हाँ जो कहते हैं कि इमिग्रेशन की वजह से ये है वो है, बट एट द सेम टाइम हर मुल्क को ये देखना चाहिए कि आपके लोकल जो लोग आ गए हैं, जो इमिग्रेंट्स अभी आए हुए हैं, उनके पास जॉब है कि नहीं, कैन दे वर्क, आर दे सर्वाइविंग, आर दे हैविंग अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ कि नहीं। ये नहीं कि आप इमिग्रेंट भरते रहो यहाँ पर, मगर उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है वो फिर इतनी भी हो जाए। यहाँ आई से कैनेडा इज वेरी वेल, मगर गांड फट जाती है यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए। आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ, जो जी. कर रहे हैं, मेहनत करनी पड़ती है। जी नहीं, मुझे बस ये पूछना था क्योंकि फिर हम मुझे ये इसलिए पूछना था क्योंकि हम ट्रस्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट को या नहीं कर सकते, क्योंकि मम्मा मेरे पेरेंट्स तो बिल्कुल नहीं करते. गवर्नमेंट इज अनदर स्टोरी। गवर्नमेंट अलग है और लोग अलग हैं। मैंने ये देखा है कि लोग जिनके बीच में मैं घूमती हूँ, दे ट्रीट मी वेरी नाइसली, जी. मगर ऑल्सो मैं जिस हिसाब से रहती हूँ, मेरा रहन सहन बिल्कुल उन्हीं के जैसा है, टू बी ऑनेस्ट। लाइक आई हैव कम इन, मैं यहाँ पर आई हूँ ना, मैंने असिमिलेट कर लिया इस कल्चर में, मैं इस कल्चर, मैं ये नहीं कह जी रही कि आप नंगे घूमो, शराबें पियो, नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। आई एम टॉकिंग अबाउट कि बाहर देखना कि अबाउट हाय देखो ये क्या कर रहे हैं, हाय ये कर रहे हैं, हाय यहाँ की स्ट्रीट का नाम तो ना वो मोहम्मद अली जिना होना चाहिए, ये क्यों? वो चीजों से ना लोगों को वो होता है, उंगली होती जी है ना?
तो अगर आप आकर इनके बीच में वैसे ही रह रहे हो जैसे आपको रहना चाहिए एज अ कैनेडियन, एज अ वेस्टर्नर, यूके या जो भी है, क्यों आपको ऐसा लगता है कि यूके उठा लो, कहीं भी उठा लो, वहां पर एक मिनी पाकिस्तान बन जाएगा, वहां मिनी इंडिया बन जाएगा, मिनी चाइना टाउन बन जाएगा, क्यों? और फिर वहां पर पाकिस्तानी वही रहना शुरू हो जाएंगे, बिकॉज दे डोंट वॉन्ट टू असिमिलेट. इट्स नॉट कि आई गोरे डोंट हमारे लाइक द साथ नहीं करने थिंकिंग. चाह रहे हैं, हम लोग ही नहीं असिमिलेट करना चाह रहे हैं उन लोगों के साथ. आई नो दैट. या एग्जैक्टली. लाइक आई डोंट लाइक ब्राउन पीपल्स थिंकिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, बिकॉज आई वाज मैं इटली में पैदा हुई थी और फिर हम माइग्रेट यहाँ पे हुए थे यूके में. मेरे पेरेंट्स पाकिस्तान पैदा हुए थे, तो फिर मुझे मुझे उनकी थिंकिंग शुरू से नहीं पसंद हो करती थी. अभी मैं एक्स मुस्लिम हूँ. मैंने इस्लाम छोड़ दिया था. अच्छा मैंने लास्ट ईयर छोड़ा. तो फिर मैं कंफ्यूज रहती हूँ. मतलब ये समटाइम्स इट्स यू जस्ट क्वेश्चन एवरीथिंग. लाइक बिकॉज आवर पेरेंट्स दे लाइक ओ दे डोंट थिंक अबाउट अस, दे डोंट केयर अबाउट अस. तो आपके पेरेंट्स को पता है? पता नहीं, मैंने एक दफा बोला तो था, फिर पता नहीं इतना शौक तो नहीं हुए थे. पता नहीं उनको, उनका पता नहीं मुझे. अच्छा, क्योंकि मैं दैट्स द सैड पार्ट ना, कि चलो पाकिस्तान में रहते हुए, इंडिया में रहते हुए आप अपनी फैमिली या लोगों के सामने खुल के नहीं बता सकते हो आप एक्स मुस्लिम हो, मगर आई थिंक इन मुल्कों में इतनी इजाजत, इतना फ्रीडम हमको होना चाहिए कि हम बोल सकें कि यार वी आर एक्स मुस्लिम्स, यू नो वट एवर. क्योंकि अब यहाँ पे आप पाकिस्तानियों को देखो या इंडियंस को भी देखो, मैं जिनको मैं जानती हूँ, तो वो इंडियंस जो थे वो ईद की पार्टीज में भी जा रहे होते थे, यू नो हिंदूज जो हैं वो सॉरी मुसलमान जो हैं वो दिवाली की भी पार्टीज में जा रहे हैं, होली की भी पार्टीज में जा रहे हैं. तो जब आप यू डोंट केयर अबाउट देयर रिलीजन, व्हाई डज इट मैटर कि अगर कोई एक्स मुस्लिम हो गया या एक्स हिंदू हो गया, राइट? अगर आपने, क्योंकि यहाँ पे हर चीज को इंसानियत के उस पर देखी जाती है, तो वी नीड टू डू दैट. और जो ये ऐसे दकियानूसी माइंड के लोग आते हैं ना, मैं तो उसके बहुत ही, आई एम वेरी मच अगेंस्ट इट. मैं तो, क्योंकि ये मुल्क बचे हुए हैं इन चीजों से, अब यहाँ भी वही गंदे डालना शुरू कर दिया ना, तो फिर हम लोग, हम जैसे लोग फिर जाएंगे कहाँ पे? वेयर आर वी गोना गो? I was gonna say something. मैं पहले भी आ चुकी हूँ एक दफा. मैं डिफरेंट आईडी से आई थी. आप अभी लास्ट टाइम आई थी, मेरे ख्याल से आपका इंटरनेट नहीं चल रहा था, राइट? वाज दैट यू? नहीं, पता नहीं, मैं बहुत पहले आई थी डिफरेंट अच्छा आईडी से. अच्छा नहीं, एक और अभी अभी मैं लड़की आई थी लास्ट टाइम 2 दिन पहले, उनका इंटरनेट नहीं चल रहा था, बट शी वाज आल्सो. नहीं मैं 2 दिन पहले, उससे पहले आई थी. अच्छा, I'm a bit nervous, that's why. थोड़ा सा नर्वस. नहीं I बोल was gonna सकते. say, yeah, I have told my friends. मैंने अपने फ्रेंड्स को बता दिया था. मैंने पहले नहीं बता रही थी क्योंकि मुझे डर लग रहा था. when you hear about this stuff, like killing and everything, they even try to kill that ex-Muslim woman here, speaker's corner. So that's like kind of scary. England is scary. I don't know how you make English. it. I think the first place you go down is going to be England. You can say this is something, जिसे कहते हैं ना, वो क्या है यार, ये लोग कहते हैं ना, इनका कार्मा है कि उन्होंने जो किया, तो देखो वो सारे ब्राउन लोग ही बैठे हैं वहां पे लेकर. जी, सो आई गेस यू थैंक यू नो सो इट्स मच फॉर टेकिंग मी. नो आई प्रॉब्लम. आप रियली कभी भी अप्रिशिएट. आओ, आपको कभी भी दिल करता है आप आके बात जरूर करना. थैंक यू. चलो जी, टेक थैंक यू. केयर. बाय.